हेलो एवरीवन, स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। मैं गरिमा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक धमाकेदार बेहतरीन शानदार वीडियो लेकर। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया का T20 सीरीज शुरू हो चुकी है। क्या सच में शुरू हो चुकी है? आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो लगता है ठीक से शुरू नहीं हुई है, क्योंकि मैच हो गया है रद्द, और मैच रद्द होने की वजह से काफी लोगों के लटक गए हैं। मुंह मेरा भी लटक गया, क्योंकि मैं कल से बहुत एक्साइटेड थी कि यार मैच होगा, मैं मैच देखूंगी, उसके बारे में बात करूंगी आप लोगों से, पर अनफॉर्चुनेटली मैच रद्द हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस काफी खुश हैं। इसलिए खुश है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम में ही नहीं है, तो उनका तो ये मानना है कि आपने टीम में नहीं रखा इसीलिए बादल भी रो रहे हैं। वैसे कहना तो उनका सही है, अब इंडियन टीम को बिना रोहित और विराट के खेलते देखना तो मजा नहीं आता ना यार, वो एंजॉयमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि उनका अपना अलग फैन बेस है, हम भी उनके फैन हैं, वो इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि गावस्कर भी काफी नाराज हैं सीएसके की तैयारियों से, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मैदान को अच्छे से कवर किया जाता तो एक घंटा रुक के मैच शुरू कर भी सकते थे। और उनका ये भी कहना है कि इतना पैसा तो हर बोर्ड को मिलता है ताकि वो मैदान को कवर करने के लिए कवर्स खरीद सके, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है तो ये सरासर झूठ है। माना कि बीसीसीआई जितना पैसा नहीं होगा उनके पास, पर इतना पैसा उनको दिया जाता है। आपको अगर मैं बीसीसीआई की नेटवर्थ भी बताऊं तो वो है $2.25 बिलियन, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका को मिलते हैं नेटवर्थ जो उनकी है वो है $47 मिलियन। तो पैसा तो ठीक ठाक ही मिलता है। खैर, अब जो हो चुका वो हो चुका। वो कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। तो अब बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। अब जब ये साउथ अफ्रीका के इस दौरे से पहले बात चल रही थी तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली सूर्य कुमार यादव को कप्तानी सौंपी गई है। अब लेकिन 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें शायद रोहित शर्मा के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपको बता दूं गंभीर का ये मानना है कि वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए, लेकिन अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा ने कप्तानी बखूबी निभाई है। 5-5 आईपीएल जीतना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, वो एक अच्छे कैप्टन है। हम यही कहेंगे कि T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में होने वाला है उसमें रोहित शर्मा को कंसिडर जरूर करना चाहिए। और T20 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली के चांसेस कम बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह ईशान किशन को लाया जा रहा है। तो फैंस काफी नाराज है इस बात से कि रोहित और विराट को क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है इस पर हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला मैच 12 तारीख को होने वाला है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि पहला मैच रद्द हो गया है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन किस लिए है यार दोस्तों, जल्दी धड़ल्ले से कमेंट करो, आपके प्यार की हमें बहुत 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 जरूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलती हूँ एक नई बेहतरीन शानदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, बाय बाय।